अगर मैं आपसे कहूं कि इस वैल्यू को आपको इवेल्युएट करना है, सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो आप कैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो 3 की पावर जो 8 है, आप इसको क्या लिख सकते हो? 3 की पावर 4 लिख सकते हो, उसके बाद ब्रैकेट के बाहर आप यहाँ पे 2 लगा सकते हो और दोनों की पावर को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका 8 ही आएगा। डेट मीन्स अगर यहाँ पे 3 की पावर 4 हमने ब्रैकेट के अंदर लिख लिया तो बाहर क्या लिखा है? 3 की पावर 4 की पावर 2। उसके बाद आपने यहाँ पे माइनस का साइन लगा देना 1, और अगर आप 1 का भी स्क्वायर करते हो तो वो 1 ही रहने वाला है। अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी जिसका नाम था ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो डेट मीन्स वो क्या होता है आपका ए प्लस का बी और ए माइनस का बी। ये आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी। अब इस आइडेंटिटी में आपको क्या करना है, इस वैल्यूज को आपको यूज करना है। तो जैसे यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 3 की पावर 4, उसके बाद में ये जो प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाने के बाद आपकी जो बी की वैल्यू हो जाएगी 1। डेट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3 की पावर 4 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1। अब 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? अगर आप 3 को 4 टाइम्स अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 81। 81 में आपको क्या करना है, 81 में 1 को आपको प्लस कर देना है और यहाँ पे आपको 81 में से 1 को माइनस कर देना है। तो 81 में से अगर आप 1 को प्लस करोगे तो क्या आएगा आपका? 82 आएगा। और उसके बाद अगर आप 81 में से 1 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा आपका? 80 आ जाएगा। अब आप 80 को 82 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करो तो 8 2 16, 8 8 64 और 1 65, तो 6560, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।